हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, ओके। टुडे वी विल स्टार्ट अवर 13 चैप्टर ट्राइबल इंडिया। ओके, तो ट्राइबल मीन्स होता है जो, जैसे आप लोग नाम सुनते होगे ना, आदिवासी लोग जो होते हैं, है ना, उनको कहा जाता है। तो मैनी ट्राइब्स आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है। दीज ट्राइबल पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन प्रिमिटिव ऑक्यूपेशंस लाइक हंटिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड मेकिंग आर्टिकल्स आउट ऑफ देम। ओके, वो लोग क्या करते हैं कि जंगल में जो है, आदिवासी लोग तो जंगल में ही ज़्यादा रहते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं कि उनका धंधा क्या होता है कि शिकार करते थे पहले, और फिर मतलब पहले के समय का बता रहे हैं, तो और फिर फॉरेस्ट में, और फिर बहुत सारे आर्टिकल्स वहाँ, मतलब चीज़ें वहाँ से ढूंढते थे और फिर उसके बहुत सारे आर्टिकल्स बनाते थे, उसके चीज़ें बनाते थे सब, है ना। तो जैसे आपने आदिवासी डांस भी देखा होगा, है ना, फोक डांस, आदिवासी लोगों का डांस होता है, उनकी भाषा भी अलग होती है ना, और वो लोग जो है बहुत ही जंगल में, इंटीरियर में रहते हैं, है ना, आदिवासी लोग। तो उनके बारे में जो है, हमारे यहाँ पे कौन कौन से आदिवासी लोग जो हैं पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, आपको हर स्टेट में मिलेंगे आदिवासी लोग, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट नंबर है, अब देखो इसमें आपको दिया हुआ है नेम ऑफ द ट्राइब एंड नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है ना। तो इस टाइप की ट्राइब्स, ट्राइबल लोग जो है वो कौन से नाम, उसकी जाति का नाम क्या है एंड कौन से स्टेट में वो लोग रहते हैं, वो आपको दोनों इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। वेल नोन ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ओके। तो वन नंबर है अपथमिस, है ना, ये जो है एक टाइप की आदिवासी जाति का नाम है, एंड कहाँ रहते हैं वो लोग, अरुणाचल प्रदेश। अब देखो आपको अलग अलग बार मैप में समझ में ऐसे आ ही जाना चाहिए, है ना, अलग अलग बताने की ज़रूरत नहीं है। अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्ट में आता है हमारे, तो वहाँ की पर ये जाति रहती है, ठीक है। भोतियास जो है वो गढ़वाल एंड कुमायूं रीजन्स, उत्तरांचल में जो है वो ये लोग रहते हैं। थर्ड है गढ़ीस, ये हिमाचल प्रदेश में ये जाति रहती है, ठीक है। गोंड्स आदिवासी, है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, इतने स्टेट्स में ये लोग जो है मिलते हैं, ठीक है। जरावास जो है वो लिटिल अंडमान्स, अंडमान निकोबार में, वहाँ पर मिलते हैं ये लोग। फिर है लेपचास सिक्किम में, लेपचास कहाँ पे मिलते हैं, सिक्किम, ओके। फिर है मीना जो है वो आपने ज़्यादा कर देखा होगा कि किसी किसी का अटक भी होती है ना, तो वो लोग जो है आदिवासी लोग होते हैं, और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान में, ओके। फिर मुंडास झारखंड की एक जाति है, उसको बोलते हैं मुंडास। फिर नागास कहाँ के हैं, नागालैंड के, ठीक है ना। तो उसके बाद है कोल्स जो होते हैं वो मध्य प्रदेश में, कोली जिसको बोलते हैं ना हम लोग, कोल्स होते हैं वो मध्य प्रदेश में होते हैं। इतनी सब आदिवासियों की जाति होती है वो वहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपको लर्न करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज देखो, फिल इन द ब्लैंक्स हमारे आएंगे नेक्स्ट पेज में। तो हर एक जाति के बारे में अलग अलग दिया हुआ है, मतलब किस टाइप से होते हैं वो लोग। इट इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया, ठीक है ना। ट्राइबल ग्रुप मतलब उनका ये होता है जिसमें कि वो लोग एक साथ जो है मिल के रहते हैं उसके अंदर, है ना। तो और आदिवासी तो ग्रुप में रहते हैं, पहले के आदिवासी कैसे होते थे कि धनुष और तीर से जो है वो जानवरों को मारते थे, और इंटीरियर में, बहुत इंटीरियर में जंगल में रहते थे ये लोग, बराबर है। सब हर जगह आपको इस तरीके से मिल जाएंगे, और किसी न किसी चीज़ में वो बहुत ट्रेंड होते थे, बराबर है ना। तो वो जो है, अब इतनी सारी यहाँ पर अलग अलग दी हुई हैं, तो वो लोग क्या क्या करते हैं इनके बारे में हमको जानकारी इसमें मिलेगी, है ना। तो गोंड जो होते हैं आदिवासी लोग, ट्राइबल ग्रुप, वो ग्रुप में रहते हैं, लार्जेस्ट ग्रुप है उनका, उनका होता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे स्टेट्स में भी हैं, है ना। आपने देखा होगा बाकी सब एक एक स्टेट में ही होते हैं, बाकी ये वाले जो गोंड आदिवासी जो होते हैं वो 4-5 स्टेट में अलग अलग पाए जाते हैं, ग्रुप में रहते हैं। सेकेंड वन, दे आर वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड ट्राइबल पीपल, है ना, आदिवासी जो पढ़े लिखे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मीना आदिवासी, ओके, मीना ट्राइबल, ठीक है। थर्ड वन है, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस पीपल इज गोट एंड शीप रेयरिंग, भेड़ और बकरी चराते हैं वो लोग, है ना, और दे लिव ऑन ए नोमैडिक लाइफ,
है ना, बिल्कुल आदिवासी जीवन जीते हैं वो। वो होते हैं गड्डीस, है ना, गड्डीस आदिवासी होते हैं, गड्डीस ट्राइबल पीपल। ओके, वो खाली गाय गाय और बकरी ऐसे सब चराते हैं वो लोग। ठीक है, उनका मेन ऑक्यूपेशन वही है, मतलब उनका मेन धंधा जिसको बोलते हैं ना, वही है। दे वेयर, नेक्स्ट वन, दे वेयर ग्रेट वॉरियर्स एंड फेमस फॉर हेड हंटिंग, है ना। जो है ये नागा लोग जो होते हैं वो लोग होते हैं, नागा आदिवासी लोग जो होते हैं, बराबर है, मतलब बहुत ही इंटीरियर में पाए जाते हैं। और ये दिस ट्राइबल इज नोन एज ओंक्स। ओंक्स जो होते हैं वो जरावा जिसको बोलते हैं, जरावा आदिवासी वाले होते हैं, तो उनका दूसरा नाम है ओंक्स। ओके, अनदर नेम। पीपल ऑफ दिस ट्राइब्स ऑल्सो कॉल्ड रोंग, रोंग के, रोंगपा, न्यूनपा, ये उनके दूसरे दूसरे नाम हैं। तो वो कौन से इसके होते हैं, लेपचा, उसको क्या बोलते हैं, लेपचा। ठीक है, नेक्स्ट है 7-1, दिस पीपल आर फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस ऑन टेरेस फील्ड। टेरेस के ऊपर जो है वो बनाते हैं और उसके ऊपर राइस लगाते हैं, है ना, राइस उगाते हैं, चावल बोते हैं छत के ऊपर। ठीक है ना, तो वो होते हैं अपथमिस। अपथमिस लोग होते हैं जो कि सबसे पहले हमने पढ़ी थी, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। वो लोग जो हैं वो टेरेस फील्ड बनाते हैं और उसमें राइस ग्रो करते हैं। ओके, कल्टीवेट करते हैं। अब देखो इन्फो बॉक्स, देखो, द पीपल ऑफ भील ट्राइब ऑलवेज कैरी बोज एंड एरोज। वही है जो बोज एंड एरोज रखते हैं, भील आदिवासी जो लोग रहते हैं, भील ट्राइब वाले। दे ऑल्सो फॉट अगेंस्ट द मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स। लड़े थे वो लोग भी ब्रिटिशर्स और मुगल्स के बीच में, जो अब युद्ध हुआ था तब वो लोग भी लड़े थे, बराबर है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आप लोगों ने राजस्थान में कौन से हमारे राजा सबसे ज़्यादा हुए थे, महाराणा प्रताप, है ना। तो महाराणा प्रताप के वहाँ पे जो हल्दी घाटी बना हुआ है, वहाँ पर जब ब्रिटिशर्स ने ये किया था युद्ध, ब्रिटिशर्स वहाँ पे आ गए थे, है ना, तो मुगल्स के साथ भी उनका युद्ध हुआ था, अकबर के साथ भी हुआ था ना महाराणा प्रताप का। तो उसमें वो लोग क्या करते थे कि वो जो घाटी बनी हुई थी, बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, वहाँ पर जो है सारे भील लोग जो है छिप जाते थे, और नीचे जितने भी मुगल्स लोगों की सेना निकलती थी उनको जो किससे मारते थे, बो एंड एरो से, तीर से मारते थे वो लोग, और फिर वापस से पहाड़ियों में छुप जाते थे। तो वो लोग जो है उनको भील लोगों को पकड़ ही नहीं पाते थे, बराबर, इस तरह से वो लोग ये करते थे। ब्रिटिशर्स को भी मारा है उन्होंने और बाकी मुगल्स को भी मारा है। मुगल्स कहलाते थे मुस्लिम शासक कहलाते थे ना, मुस्लिम लोग, और ये लोग हिंदू लोग थे महाराणा प्रताप, ये लोग। तो हिंदू मुस्लिम के भी युद्ध होते थे ना, और फिर बाद में हमारे जो है वो उनके साथ भी हुए, अंग्रेजों के साथ भी हुए। तो सबके साथ जब भी युद्ध हुआ तो वो लोग बो एंड एरो से, तीर जो है धनुष बाण से, उन लोगों को जो है पहाड़ी पे से चढ़ के, वो लोग नीचे होते थे, वो लोग पहाड़ी पे से उन लोगों को, सैनिकों को मारते थे। आ गया समझ में? तो चैप्टर समझ में आ गया सबको? अच्छा है ना चैप्टर, समझ में आ गया? 13 चैप्टर हमारा ओवर होता है यहाँ पर। ओके, फिर हम लोग 14 चैप्टर में फिर से मिलेंगे। बाय।